खरगोन जिले के भगवानपुरा विधानसभा के पूर्व विधायक विजय सिंह सोलंकी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद पहली बार से गांव पहुंचे विजय सिंह सोलंकी का भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साथ ही ढोल ताशे पर नगर में जुलूस निकालकर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, सिंधिया फैंस क्लब के जिला अध्यक्ष राहुल गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ले गुरु कह चाल लो किसी का नाम नहीं पहचानता हूँ। जितना भी कार्यकर्ता है और जिस परिवार से जुड़े हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और आज जो हमारा स्वागत करें इसी तरह से हम आपका परिवार के साथ में रहूँगा और हर काम करूँगा। क्योंकि आप जो टीम मिली है जो पहले विधायक तो उसकी भी आलोचना करते जो भी तो पर काम करना आप जो मजा आप जो पहले नहीं आए। ये तो कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में आए विचारधारा मेरी स्वयं की है पर मेरे को बीजेपी में आने से बहुत अच्छा लगा और बीजेपी की नीति और रणनीति के कारण मैं बीजेपी में आया। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी अपनी? बस जो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने आज मेरा सम्मान किया मैं कार्यकर्ताओं के साथ में बीजेपी परिवार के साथ में जो को मेरे को मार्गदर्शन देंगे वो काम करूँ और आगे बढ़ता रहूँगा। आज भारतीय जनता मंडल सेगांव में आपका प्रस्थान हुआ, किस प्रकार स्वागत हुआ आपका? आज सेगांव के अंदर जो मेरे को सम्मान मिला इसी प्रकार जो सम्मान मिला मेरे कहना है जो सम्मान मिला और सब कार्यकर्ता सम्मान का मैं उसी प्रकार से उनके साथ में रहूँगा और कर्मठ होकर काम करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। और मेरी एक ही मांग थी जब मैंने बीजेपी ज्वाइन करी थी सीएम साहब से बात करी थी भाई जो मेरा काम अधूरा है और जो मेरा सपना था मेरे को टिकट से मतलब नहीं कुछ नहीं पर मैं मेरे कार्यकर्ता को और मेरे क्षेत्र में जो काम अधूरे थे वो पूरा करना चाहिए।